हेलो नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। सो आई होप कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम खूब बढ़िया से होंगे अपने परिवार के साथ, और आप सबके खिचड़ी का त्यौहार भी बहुत ही बढ़िया से बीता होगा। तो दोस्तों सुबह के 7 बज गए हैं और हम आ गए हैं किचन में। बच्चों का स्कूल खुल गया है तो सुबह सुबह मैं खाना चढ़ा दी हूँ एक साइड, और एक साइड मैंने जो है चाय रख दिए थे, तो चाय बन गया है। तो चलते हैं, चाय पहले निकाल देते हैं सबको पीने के लिए। बच्चे सब अपनी अभी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि स्कूल का जो टाइम है ना वो है 10 से 2 बजे तक। तो बच्चे सुबह उठ गए हैं तो सभी लोग फिलहाल अपना एक बार से रिवीजन कर ले रहे हैं, और उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे, तैयार होंगे तो स्कूल जाएंगे। तो मैंने चाय बना लिए हैं तो ले चलते हैं चाय। खिचड़ी का त्यौहार बहुत अच्छा भी था, गाँव पर भी बहुत सारे कुछ काम थे जो हम लोग गए थे, तो बहुत सारे काम करके भी आए हैं। अब टाइम नहीं है गांव पे जाने का, तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं बहुत जल्दी जल्दी गांव जा पाऊंगी क्योंकि अब रेगुलर बच्चों का स्कूल चलेगा और साथ में इनका अब एनुअल एग्ज़ाम भी होगा, तो इस वजह से समय तो बहुत ही कम मिलने वाला है। किचन के मेरे वीडियोज़ नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि मैं नहीं बना पा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी रेसिपी क्या बनाऊँ। तो चलिए फिलहाल ले चलते हैं चाय। घर में पर्दे लग गए हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी, फिलहाल तो अभी ले चलते हैं सबके लिए चाय। तो दोस्तों चाय सभी लोग पी लिए हैं और मैंने खाना भी बना लिए हैं, तो ये मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ बच्चों के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि टिफ़िन में क्या बनाओ, तो कल गांव से ढेर सारी गोभियाँ ले आए हैं अनुप पापा। दरअसल हमने जो गोभी लगाए थे ना उसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल निकल गए हैं, तो गोभी ले आए थे। तो इनका जो है एकदम से गोभी की सब्ज़ी खाने का मन नहीं है, ये लोग बहुत जो है अब सब्ज़ियाँ गोभी की खाने से आनाकानी करते हैं, तो मैं उसी की पकौड़ियाँ बना दे रही हूँ। तो ये पकौड़ियाँ बना देंगे तो ये आराम से खा भी लेंगे और साथ में इसे अपने स्कूल में टिफ़िन में भर के स्कूल भी ले जाएंगे। तो फटाफट से ये मैं गोभी तल लेती हूँ, ये अच्छा तरीका है गोभी घर में खा पाने का। मेरी गाय भी नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आता, नहीं तो वैसे तो हम लोग गोभी की रेसिपी बनाते हैं, जो बच जाता है वो हमारी गाय भी खाती है। तो अब जो है सारी गोभी हमें खुद ही खानी है, सेल भी नहीं कर सकते हैं, थोड़े ही हैं। और गोभी की एक खास बात होती है कि सारे फूल एक साथ ही निकल जाते हैं, फिर तो फिर समस्याएँ हो जाती हैं कि सारे फूल का एक साथ हम करें क्या। तो चलिए फटाफट से पकौड़ियाँ बना के और इनका टिफ़िन पैक कर देते हैं। तो पकौड़ियाँ हमारी फ्राई हो रही है, तब तक मैं इनके लिए खाना निकाल देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा बच्चे खाना भी खा लेंगे और उसके बाद फिर अपना टिफ़िन ले लेंगे और आराम से ये स्कूल जाएंगे। स्कूल से आते आते इनको 3 बज जाता है तो मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा खाने का। तो थोड़ा बच्चे खाना भी खा लेंगे और खाना गर्मा गर्म है तो खाने में अच्छा लगता है। तो फिलहाल पकौड़ियाँ भी हमारी तैयार हो गई हैं। तो फिलहाल इतनी पकौड़ियाँ हमने बना लिए हैं अनु लकी के टिफिन के लिए, लेट हो रहा है अनु लकी को और लगी गई है खाना खाने, तब तक मैं थोड़ी सी और बना लेती हूँ। तो ये गया टिफिन में अनु के गर्मा गर्म पकौड़ी। तो दोस्तों इस वक्त बज गए हैं 11 और सभी लोग चले गए अपने अपने काम पे। अनु लकी स्कूल चले गए, इनके पापा भी स्कूल चले गए हैं। तो खाना वगैरह मेरा हो गया था, उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह सब धुले हैं और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो फिलहाल घर को कर लेते हैं थोड़ा मैनेज क्योंकि मुझे भी आज कई काम है और मुझे बाहर भी जाना है, तो फटाफट से काम निपटाएंगे तभी हम बाहर जा पाएंगे। तो अभी मैं बाहर जाऊंगी और बाहर के जो सारे काम निपटाने हैं उसमें मेरा पूरा आज दिन ख़त्म हो जाएगा, और दिन ख़त्म हो जाएगा इस वजह से किचन का वीडियो भी नहीं बन पाएगा। किचन का वीडियो मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ कि मतलब सुबह का हम जो खाना बना लेते हैं उसके बाद फिर आराम से कपड़ा लत्ता साफ़ सफ़ाई झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं जब खाली होती हूँ तो जो दोपहर का हमारा 2 घंटे का जो समय होता है उस समय में फिर मैं किचन के रेसिपी शूट करती हूँ। हालाँकि किचन की रेसिपी शूट करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो फिर लग जाती हूँ मैं दोपहर से, तो शाम होते होते रेसिपी मेरी सूट हो जाती है। तो फिलहाल अभी तो मुझे बाहर के काम निपटाने हैं, इस वजह से किचन का वीडियो तो नहीं सूट करेंगे, फिलहाल घर को ही अभी मैनेज करेंगे उसके बाद चलेंगे
बाहर का काम निपटा कर आएंगे, तो फिर सोच रहे किचन का वीडियो शूट करना है। तो देखिए कब हम खाली होते हैं और कब फिर हमारा किचन का वीडियो शूट होता है। तो फिलहाल झाड़ू लगा लेते हैं घर में, अभी इतना ठंड है इस वजह से हम पोछा नहीं लगा रहे हैं, तो थोड़ा ठंड कम हो जाएगा उसके बाद पोछा लगाएंगे, क्योंकि मेरा जो घर है इसमें ठंड बहुत ज़्यादा है। नया घर है तो नए घर में भी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, और हमारे घर में धूप जब सूरज पश्चिम दिशा में जाता है तब आता है, पूरब दिशा से धूप नहीं आती है, केवल किचन में आती है। पूरब दिशा में मेरे घर के जस्ट सामने एक 4 मंजिला बिल्डिंग है, आप लोग देखते हैं, तो उसकी वजह से जो है सीधे घर में धूप नहीं आ पाती है, जब सूरज पश्चिम दिशा में जाता है तब जाके मेरे घर में धूप आती है, इस वजह से घर में ठंड गलन बहुत ज़्यादा रहती है। तो फिलहाल चलिए फटाफट से झाड़ू वगैरह, तो मेरा लगभग आधा घर कंप्लीट हो गया है, आधा ही बाकी है, तो इसको भी मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए हम तैयार हो लिए हैं, तो चलिए फटाफट से हम आज निकलने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए हम हो गए हैं तैयार, तो हम चल रहे हैं डॉक्टर के पास, हमने जो अल्ट्रासाउंड कराए थे वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हमें दिखानी है, और मम्मी से भी मिलना है। मैं मम्मी से मुझे मिले करीब हो गया होगा 1 जनवरी से, 1 जनवरी को मिले थे, उसके बाद एक दिन गए थे 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हुई, तो चलना है वहाँ मुझे, और डॉक्टर को रिपोर्ट भी दिखाना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने पर्दे सब ले लिए हैं और पर्दे घर में लगा भी दिए हैं, तो बैक करके दिखाते हैं और आप लोग बताइएगा पर्दे कैसे लग रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने कहा था कि वो गुलाबी कलर वाला पर्दा लगाने के लिए, लेकिन मैंने जो पर्दे वही वाले सब लगाए हैं वो दिखाते हैं। और एक मुझसे पूछ रहे थे कि पर्दे हमने कहाँ से लिए हैं, तो भैया हमने पर्दे यही लिए हैं अपने DLW मार्केट से, तो आपको चलिए मैं बैक करके दिखाती हूँ। तो देखिए फिलहाल जो है घर में लग गए हैं पर्दे सभी कमरे में, इधर भी सब कमरे में लग गए हैं। तो देखिए ये है, ये कमरा एक है, इसमें देखिए ये मच्छरदानी। और लेकिन एक बात आपको बता दें कि हमने जो खिड़की के लिए जो पर्दे हमने लिए हैं वो हमने पर्दे थोड़े से अलग लिए हैं, क्योंकि बच्चों का कहना था कि मम्मी खिड़की का जो है पर्दा वो थोड़ा अलग कर दे, तो हमने ये खिड़की के लिए ब्लू कलर का पर्दा लिए हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसके साथ भी बढ़िया लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम अजीब ढंग का नहीं लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो देखिए ये है पर्दा, और पर्दे की जो लंबाई है वो है 8 फीट, इसको हमें छोटा करना था। देखिए इसका जो है थोड़ा सा ये ज़मीन पे ये छू रहा है, तो अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, उसके बाद आएंगे तो इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। लेकिन ये देखिए ये सारे कमरे में लग गए हैं पर्दे, तो अब ठीक लग रहा है। ये किचन में है और ये उधर बाहर के पूरब की बालकोनी है, ये अनु कमरा है, ये हमारा मेन डोर है, देखिए ये देखिए है ना, अब ठीक लग रहा है ना। और इधर जो है ये है शिवम का कमरा, तो शिवम के कमरे में भी फाइनली पर्दा हो गया है। हाँ आपको दिखाती हूँ, वो है खिड़की का पर्दा और ये है कमरे का। अब कमरे से ये पेपर हटा देनी है, तो ये शिवम अभी हटा देगा, तो ये देखिए लाइट जला देते हैं, तो देखिए ये है, तो आ गया ना बढ़िया अब कमरे का लुक, अब पर्दे से अच्छा लग रहा है कमरे का जो लुक है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि देखिए अब कैसा लग रहा है, जब पर्दे लग गए हैं तो फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब बाहर से ठंडी ठंडी हवा नहीं आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हमने जो पर्दे लगाए हैं ना वो हमने लगाए हैं पूरा, जो पूरा हमने माना जो पूरा दरवाज़ा था,
कई बार क्या होता है कि लोग ये ऊपर का जो रोशनदान होता है ये इस पर कांच लगती है तो ये छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर ये जहाँ से हमारा दरवाजे का पल्ला शुरू होता है तो यहाँ से लगाते हैं। बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हमारा जो ये दरवाजे की ऊंचाई है पल्ले की वो है 6 फीट, तो लगभग इतनी सी यहीं पे ये फिर लगता तो कुछ जच नहीं रहा था। तो मैंने पूरा जो है इसको पूरा कवर करवाया है और ये पूरा कवर करने के बाद ये देखिए अब अच्छा लग रहा है, इसलिए मेरे पर्दे जो है लगे हैं वो बड़े बड़े लग रहे हैं, देख रहे हैं कितने बड़े बड़े लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से निकलते हैं, मैं अपना बैग ले रही हूँ और ये है मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। तो ये है मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, मैं चल रही हूँ डॉक्टर को दिखाने। ये हम कराए थे अरिहंत डायग्नोस्टिक सेंटर, अरिहंत में करवाए थे, बढ़िया है बनारस का। तो यहीं से हम अपना MRI भी कराए थे। तो चल रहे हैं, अब हम निकलते हैं फटाफट से, हमको हो रहा है काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि आने के बाद भी मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। तो दोस्तों देखिए ऊपर से नीचे आ गए हैं, तो चलिए पहनते हैं शूज। हम देखिए जूता पहन के जाएंगे जूता पहन के हम कहीं भी आजकल जा रहे हैं तो ये जूता पहन के जा रहे हैं। हमारा सैंडल है, अनु तोड़ दी है, उसके बाद हमारे पास कोई सैंडल नहीं है, तो चलिए जूता पहनते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे अगर मेरे पास समय होगा तो हम अपने लिए एक मार्केट से सैंडल भी खरीद लेंगे, वो जो टूट गया है ना वो पहन भी नहीं पाएगा। तो इसी को पहन के चलते हैं, इसलिए वो जूता पहन के चलने भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी वो सैंडल अच्छा लगता है ना साड़ी पर, तो वो जल्दी होता है, कहीं आना जाना होता है तो जल्दी से पहन के निकाल लिए, उसको निकालने में भी आसानी होती है, लेकिन जूता पहन लो तो इसको निकाल तो आसानी से, लेकिन पहनने में दिक्कत होती है कहीं जाओ तो इसीलिए चलते हैं। आज देखेंगे मार्केट में सैंडल मिलेगा तब लेते आएंगे। हे चलो जी, भेड़ हकाते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हम आ गए हैं मम्मी के यहाँ, हम आते हुए रास्ते में गए थे डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर है नहीं मेरा रिपोर्ट देखने के लिए, तो वो शाम को आएंगे। तो हम बैठ गए हैं मम्मी के यहाँ, अनु भी आ गई है स्कूल से और हम सब लग गए हैं मटर छीलने में, काम पे लग गए, छोटी भी काम पे लग गई है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, मटर छीलेंगे, इसी का यहाँ पे बनाएंगे वो रेसिपी नहीं बनाएंगे, मटर की हमको बनानी है पूरी। मैं वहाँ पे बना नहीं पा रही हूँ तो यहाँ से मैं इसके मसाले तैयार करके ले चलूँगी और घर पे भी बनाएंगे पूरी। तुम्हारे मसाले तैयार करने में हमारी भाभी हमारी मदद कर रही हैं, मेरा समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पास सिलबट्टा नहीं है, तो भाभी बोली हैं कि हम यहीं पे मसाला तैयार करके दे देंगे, आप जाके पूरी बना लीजिए। कितना मज़ा है ना यहाँ रहने का, पूरा हमको देखिए है सपोर्ट और हेल्प भी मिल जा रहा है। तो चलिए फटाफट से इसका हम तैयार कर लेते हैं ई, और उसके बाद फिर तब तक तैयार करते करते डॉक्टर भी आ जाएंगे तो दिखाते हुए ही निकलेंगे ना। अनु लो पकड़ो, आपके यहाँ डॉक्टर नहीं आएंगे, उधर डॉक्टर है ना उनके यहाँ हमको जाना है। पकड़ो अनु, ठीक है कहाँ पोके हमें चला लेकिन गर्म ना खा पाई। हाँ वो तो बनाई। तो दोस्तों देखिए हम आ गए घर और ये देखिए पीठी बना के लेते आए हैं, तो चल अब हम बनाने पूरी आलू मटर की, इसको हम निकाल दें थाली में। तो ये पीठी हमारी भाभी जो तैयार करके दी है, तो चलते अब हम बनाएंगे फटाफट इसी गर्मा गर्म पूड़ियाँ और सभी लोग खाएंगे। तो अभी तो शिवम आया नहीं है कोचिंग से, लकी है अभी, इनके पापा भी नहीं आए हैं, लकी को लग गया है भूख, तो फिलहाल अभी बनाते हैं लकी के लिए, फिर सबके लिए बनाएंगे गर्मा गर्म। लकी ले जो, तो चलिए दोस्तों हम बनाने लगे हैं। देखिए पूड़ियाँ मैंने दो बना लिए हैं और दोनों चट हो गया है, एक देखिए महारानी यहाँ बैठ के खा रही है, एक हमारी जो कैमरा मैन है इस वक्त वो खा चुकी है और ये इंतजार में है। बहुत ही टेस्टी पूड़ी बन रही है, फटाफट सेक लेते हैं हम पूड़ी, बढ़िया अनु बहुत टेस्टी। मैं सोच रही हूँ इसके साथ क्या बनाऊँ, चटनी बनाऊँ कि सब्जी बनाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो सुबह का थोड़ा चावल है थोड़ी दाल है, तो पहले पूड़ियाँ बना लेते हैं उसके बाद फिर मेरे समझ में आएगा तो फिर कुछ बनाएंगे, नहीं तो फिर टमाटर है प्याज है उसी की चटनी नहीं, बना कुछ मत बनाइए, पूड़ी ऐसे ही अच्छा लग रहा है। इसके साथ थोड़ी सी चटनी बना देंगे, इनके पापा हैं तो इसके साथ थोड़ी चटनी बना देंगे तो और टेस्टी हो जाएगा।